बीजगणित पढ़ने में एक ऐसा सवाल आता है 10th क्लास के अंदर, प्रश्नमाला 2 के C के अंदर 6 का पहला सवाल, प्रश्नमाला 2 का C में 6 का पहला सवाल। सवाल कहा जा रहा है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न के अंश बराबर भिन्न के अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न बराबर x/y। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर x/y+1 = 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा गुना होगा तो x में 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा = 1, इसमें गुना करेंगे ज्यों का त्यों हो जाएगा y+1, 2x - y = 1 समीकरण एक। दूसरी स्थिति में प्रथम स्थिति में अंश से 2 घटाने पर तो x - 2/y = 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 x - 2 = y, 3x - 6 = y, 3x - y = 6 समीकरण 2 बन जाता है। तो समीकरण एक 2x - y = 1 समीकरण एक, और 3x - y = 6 समीकरण 2। एक और 2 को घटाने पर, एक और 2 को घटाने पर माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस होने के कारण वाई वाई को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 2x में -3x को घटाएंगे तो सीधा -x हो जाएगा, और वन से 6 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस होने के कारण ऐसे स्थितियों में माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे और x = 5 हो जाएगा। तो समीकरण एक में x का मान रखने पर यहां पर एक में भी में एक में x के मान रखेंगे तो जितने प्राप्त होंगे उतना ही समीकरण 2 में भी मान रखेंगे तो उतना ही प्राप्त होंगे। ये सदैव ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी समीकरणों में जब मैं x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। आइए समीकरण एक में x का मान रख के देखते हैं। तो 2x - y = 1 होता है, 2 x की जगह पर 5 है तो 5 डालेंगे, फिर -y = 1 है तो 1, 5 × 2 = 10, 10 - y = 1, -y = 1 - 10
माइनस वाई इक्वल टू नाइन माइनस नाइन माइनस माइनस कर जाएगा और वाई इक्वल टू नाइन हो जाएगा। तो भिन्न भिन्न में एक्स तथा वाई दोनों का मान रखने पर तो भिन्न क्या है x by y इक्वल टू फाइव बाई नाइन, यही आंसर होगा।